तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए हमने पहले वाटरमेलन लिया है, बिल्कुल एकदम लाल है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा सा हमने फ्रेश पुदीने की पत्तियां ली हैं, ये एक नींबू लिया है, ये आधी चम्मच नमक, क्योंकि ये जब हम जूस में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। और ये एक चम्मच चीनी लिया है। अगर आपका वाटरमेलन ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी नहीं डालना, और थोड़ा सा हल्का मीठा है तो आप चीनी डालिए। तो हम इसको अच्छी तरह काट लेंगे, पहले इसके सारे बीज निकाल लेंगे इसमें से, अब इनको काट लेंगे। तो ये हम वाटरमेलन को काट लेंगे अच्छी तरह सारा। ये गर्मियों के मौसम में वाटरमेलन बहुत ही अच्छा होता है, आप ऐसे ही खाएंगे तो ये पानी की कमी को पूरा करता है बॉडी में। तो ये देखिए सारे बीज निकाल के हम अच्छी तरह वाटरमेलन में से इसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे। तो ये हमने अब वाटरमेलन सारा काट लिया, अब हमने ये मिक्सी का जार लेंगे और इसमें वाटरमेलन को डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी जो हमने पुदीने की पत्तियां ली थी, फ्रेश पुदीना, इसको भी डाल देंगे इसमें। और जो एक चम्मच चीनी ली थी ये भी डाल देंगे। और अब इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें हम एक दो आइस क्यूब भी डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। अब तो ये हमने वाटरमेलन को अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया है। अब हम लेंगे एक बाउल और ये हमने एक ली है छन्नी। अब हम इसमें डाल देंगे सारा अपना वाटरमेलन जूस। अब एक चम्मच की हेल्प से इसको सारा निकाल देंगे, छन्नी में से छान देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने एक लेमन लिया था, तो उसका सारा इसमें रस निकाल देंगे। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नींबू भी, जैसे गर्मियाँ पड़ रही है, नींबू पीने से बहुत अच्छा वो रहता है बॉडी में। अब इसको अच्छी तरह हम छान लेंगे छन्नी में। जो हमने थोड़ा सा काला नमक लिया था वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा वाटरमेलन जूस। अब हम इनको सर्व करेंगे इसको। तो ये हमने दो ग्लास ले लिए, तो ये हमने वाटरमेलन जूस ग्लासों में डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम दो आइस क्यूब, क्योंकि ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो ये हमने दो इसमें आइस क्यूब डाल दी। और ये हमने थोड़ी सी पुदीने की पत्ती ली थी, ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए ये हमने लगा दिया है इसके ऊपर, और इसको ठंडा ठंडा पीजिए, गर्मी में बहुत मजे आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।